हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आई वेलकम यू टू दिस क्लास बिफोर कमिंग टू द पोइटिक लाइन्स लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द पॉइम डियर स्टूडेंट्स विंड पॉइम जो है सुब्रमण्यम भारती ने तमिल लैंग्वेज में लिखी है और ए के रामानुजम ने इस पॉइम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ये पॉइम मॉडर्न पोइट्री का एग्जाम्पल है नाउ लुक एट द टाइटल टाइटल इज विड मीन्स हवा इस पोइम में बताया गया है कि विंड जो है गुड एंड ई ईवल मीन्स अच्छी और बुरी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव मीन्स निर्माणकारी और विनाशकारी दोनों रूपों में हो सकती है किस रूप में होगी ये सरकमस्टांसिस और लोगों के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है सेकेंड पॉइंट ये है कि पॉइंट में विंड के फोर एस्पेक्ट्स बताए गए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नॉटी चाइल्ड सेकेंड एरेजिंग मीन्स गुस्से वाली थर्ड डिस्ट्रक्टिव youth, फोर्थ ए वेरी हेल्पफुल फ्रेंड एंड पावरफुल god, एंड थर्ड पॉइंट ये है कि विंड को fierce विंड के रूप में poet ने obstacles एंड चैलेंजेस से सिम्बोलाइज किया है ऑबस्टेकल्स मिस मुश मुश्किलें जो हमारी लाइफ में आती हैं वो तेज़ हवाओं जैसी हैं फोर्थ पॉइंट ये है कि विंड को कई कल्चर में गोड का स्टेटस दिया गया है तमिल कल्चर में भी विंड को गोल्ड माना गया है नाउ वी मूव फर्दर देर इज़ पॉइट्स नेम सुब्रमण्य भारती ही वॉज बोर्न ऑन एलेवेंथ दिसंबर एटीन एटी टू एंड डाइड ऑन ट्वेल्थ सेप्टेंबर नाइनटीन ट्वेंटी वन इन चेन्नई हिज बर्थ प्लेस वॉज एटैयापुरम इन तमिलनाडु वो जो हैं एक पॉइट राइटर और जर्नलिस्ट भी थे और उनको महाकवि भारती के रूप में जाना जाता था अब उनको जो है फोर्टीन लैंग्वेज की नॉलेज थी लेकिन जो तमिल लैंग्वेज है वो उनकी फेवरेट लैंग्वेज थी नाउ वी कम टू द पोइटिक लाइन्स विंड कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज इन लाइन्स में पोइट विंड को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विंड प्लीज़ ब्लो सॉफ्टली आप जो है आराम से आना और विंडोज़ के जो शटर हैं उनको तोड़ना मत डोंट स्कैटर द पेपर्स स्कैटर मीन्स फैलाना वो कहते हैं कि आप जो है पेपर्स को इधर उधर मत फैलाओ डोंट थ्रो डाउन डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ देन द पॉइंट अर्जेज द विंड नो टू थ्रो बुक्स डाउन ऑन द शेल्फ मीन्स बुक को नीचे मत गिराओ अब जो है पॉइंट अभी तक तो आपने देखा कि फर्स्ट स्टेंजा में वो पॉइट जो हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से कि आप जो है आराम से आना पेपर्स को मत फैलाना लेकिन अब सेकेंड स्टेंजा में वो पॉइट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि विंड के आने से कितना नुकसान हो गया है देयर लुक वाट यू डिड यू थ्रू दैम ऑल डाउन यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स देखो आपने क्या कर दिया बुक्स गिरा दी पेजेस के टुकड़े टुकड़े कर दिए यू ब्रोट रेन अगेन और आपके आने से जो है सारे बादल इकट्ठे हो गए और फिर से बरसने लगे जो कि पूर पीपल के लिए जो है बहुत ही नुकसानकारी हैं यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऐट विकलिंग्स पोकिंग फन मीन्स मेकिंग फन ऑफ मजाक उड़ाना विकलिंग्स मीन्स वीक थिंग्स तो फिर पॉइट कहते हैं उनका ये विश्वास है कि विंड जो है वो कमज़ोर चीज़ों को नष्ट कर देती है ऐसा लगता है कि वो बड़ी चलाक है वो जो है किसी के कमज़ोर होने का मीन्स नाजुक होने का जो है अपनी पावर दिखाकर मजाक उड़ा रही है दिस वॉज द सेकेंड स्टेंजर होप यू अंडरस्टैंड नाउ थर्ड स्टेंजर फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज क्रम्बलिंग डोर्स क्रम्बलिंग राफ्टर्स क्रम्बलिंग वुड क्रम्बलिंग बॉडीज क्रम्बलिंग लाइव्स क्रम्बलिंग हार्ट्स द विंड गॉड विनोज एंड क्रशिस द मॉल यहाँ पे जो है फ्रेल का मतलब है वीक कमजोर क्रम्बलिंग का मतलब है फॉलिंग अपार्ट अलग हो जाना राफ्टर मीन्स बीम्स शहतीर जिसको बोलते हैं विनोज मतलब आ, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम शाफ अनाज को छिलके से अलग कर देना तो इन लाइंस में पोइट ने विंड के डिस्ट्रक्टिव यूथ वाले रूप को डिस्क्राइब किया है विंड जो है वीक हाउसेस राफ्टर्स वुड को नष्ट कर देती है विंड अपनी पावर के इस्तेमाल से जो फिज़िकली और मेंटली वीक हैं उन आ, उनको जो है नष्ट कर करती चली जाती है यहाँ पे क्रम्बलिंग बॉडीज़ मीन्स फिज़िकली वीक क्रम्बलिंग लाइज मीन्स जितने भी प्राणी जो कि कमजोर हैं क्रम्बलिंग हार्ट्स मीन्स जो मेंटली वीक है उन सभी को विंड अपनी पावर के इस्तेमाल से नष्ट कर देती है फिर पॉइंट कहता है कि जो विंड गोड है वो अपनी फोर्स के इस्तेमाल से सारे वीक लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को स्ट्रोंग एंड पावरफुल से अलग कर देती है कैसे जैसे विनोइंग प्रोसेस के द्वारा विनोइंग एक्टिविटी के द्वारा छिलके को अनाज से अलग अलग कर दिया जाता है यहाँ पोइट कहना चाहता है कि जो लाइफ है वो एक केक वॉक नहीं है लाइफ इज़ नॉट ए केक वॉक इट इज़ फिल्ड विद ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस ये जो है Uh, मुश्किलों से भरी हुई है दिस वॉज द थर्ड स्टैंडर होप यू अंडरस्टैंड नाउ फोर्थ स्टैंडर फोर्थ स्टैंडर ही वॉन्ट टू वट यू टेल हिम पोइट मानते हैं कि विंड गोड जो है वो जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं हम लोग जो बोल रहे हैं वो सुनते नहीं हैं सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रोंग होम्स लेट्स जॉइंट द डोर्स फॉमली प्रैक्टिस टू फार्म द बॉडी मेक द हार्ट स्टेडफास्ट मीन्स स्टेड फास्ट मीन्स मजबूत फॉर्म यहां पॉइंट स्ट्रॉन्ग विंट विंड को हार्डशिप से लाइफ जो हार्डशिप्स मुसीबतें आती हैं लाइफ में उनसे कंपेयर कर रहे हैं मीन जिंदगी की मुसीबतों से लाइफ में जो जिंदगी की मुसीबतें जो आती हैं उनसे विंड को कंपेयर किया जा रहा है अब पोइट कहते हैं जब फियर्स विंड हमारी नहीं सुन रही हैं हम अपने घर दरवाजे मजबूत बना लेते हैं हम खुद को भी मैंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं नाउ फिफ्थ स्टैंडर्ड डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स ही मेक्स स्ट्रोंग फायरस रॉ एंड फ्लरिश हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड वी प्रेज हिम एवरी डे पोइट कहते हैं अगर हम अपने आप को डिफिकल्टीज हार्डशिप्स को फेस करने के लिए स्ट्रोंग बनाते हैं तो हम विंड से फ्रेंडशिप कर सकते हैं और दोस्ती जो है बराबर वालों में आगे बढ़ती है हमें भी उतना ही स्ट्रोंग एंड फोर्सफुल होना होगा जितनी कि विंड है फॉर एग्ज़ाम्पल एक कम लो वाले दिए को विंड नष्ट कर देती है परंतु फॉरेस्ट की आग को अगर विंड का साथ मिल जाए तो वो बढ़ती चली जाती है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है और उसकी जो फ्लेम्स हैं लपटे हैं वो कई कई महीनों तक जो हैं वो फॉरेस्ट में लगी रहती हैं लाइक like दिस अगर हम मुश्किलों का सामना मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रोंग होकर करते हैं तो मुसीबतें हमारे लिए अवसर बन जाती हैं अपॉर्चुनिटीज बनकर सामने आती हैं नाउ आई टेल यू अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस विच आर यूज इन द पाइम नंबर वन परसोनीफिकेशन इस लिटरेरी डिवाइस में पोइट ने ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को ह्यूमन एटरीब्यूट्स uh, को जो है नेचुरल फिनोमिनन से एसोसिएट किया है For example, you tore the pages of the books. Here, the pronoun you refers to the wind. Uh, आपने हवा को कभी बोलते हुए नहीं सुना होगा लेकिन पोइट जो है हवा से बातें कर रहा है जो कि एक नेचर का एलिमेंट है तो यहाँ पे परसोनिफिकेशन देखने को मिलता है हमें सेकंड है मेटाफर मेटाफर डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन ए वे दैट इट इज नॉट लिटरली मीन्स एग्जैक्टली ट्रू बट मेक ए कम्पेरिजन फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट विकलिंग्स यहाँ विंड को जो है क्लेवर और पावरफुल लिविंग विंग के रूप में प्रजेंट किया गया है जैसे अगर इसमें यू आर एज क्लेवर एज का वर्ड एज वर्ड इस्तेमाल होता है या लाइक like वर्ड इस्तेमाल होता तो ये सिमिली कहलाती लेकिन जब वो डायरेक्टली बोल रहे हैं तो यहाँ पर मेटाफर पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है नंबर थ्री एनाफोरा एनाफोरा एनाफोरापोटिक डिवाइस में एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लाइन के स्टार्टिंग में रिपीट किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल डोंट ब्रेक द शटर्स डोंट स्कैटर डोंट थ्रो डाउन तो इन तीनों लाइन्स में डोंट वर्ड जो है रिपीट किया गया है सो so हमें यहाँ पे एनाफोरा पोइटिक डिवाइस देखने को मिलता है फोर्थ वन इज़ सिम्बोलिज़म विंड को सिंबलाइज किया गया है एक पावरफुल नेचर फोर्स के रूप में चैलेंजेस ऑफ लाइफ के रूप में नॉट चाइल्ड के रूप में वैसे तो इसमें बहुत सारे सिंबोलिज्म हैं लेकिन मैंने सिर्फ आपको कुछ ही बताए हैं तो इस पॉइम में सिंबोलिज्म पोटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है लास्ट वन इज़ राइमिंग स्कीम दिस पॉइम जो है दिस पॉइम इज रिटर्न इन फ्री वर्स तो राइम स्कीम हमें पढ़ने या देखने को नहीं मिलती आ, क्योंकि ये फॉम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है सो डियर स्टूडेंट्स दिस क्लास इज़ ओवर